हर 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 महादेव। जय मेरे बड़े शंकर महादेव, जय मेरी गंगे मैया। मित्रों, शिव पुराण कथा का आयोजन यहाँ पर 22 तारीख से आरंभ हुआ है। बहुत सुंदर स्थान है और बहुत सुंदर आयोजन है और प्रबंध है। उमस और गर्मी है तो कूलर लगे हुए हैं, और देखिए प्रभु जी ने अभी लाइट जला दी है तो और सुंदर दृश्य दिख रहा है। और कूलर, पंखे, फर्राटा पंखा भक्तों के लिए बैठकर सुनने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर, वाह मेरे प्रभु। तो शिव पुराण कथा का आयोजन का मैं आनंद लूँगा। 4 बजे से कथा आरंभ होगी। शाम को मैं देखने आया था अभी कि कथा आरंभ हो गई होगी, परंतु शाम को 4 से लगभग 7 बजे तक कथा होती है। आज शाम को आनंद लूँगा महादेव। अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, खाली है, सुंदर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, और फिर कथा का भी श्रवण आपको होगा। महादेव महादेव महादेव। शिव 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 शंभो शंभो कैलाश पति हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेव। शिव पुराण कथा 22 जुलाई से 1 अगस्त तक पुष्प कुंज माली देवल विस्थापित कॉलोनी पशुलोक। वाह जी, सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, आनंद आ गया यहाँ पर दर्शन करके। Yeah.
जाता है
जो प्रसाद लेकर जाते हैं अपने घर जरूर ले जाए ना। क्या होता है जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंच जाता है वो घर महापवित्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? महापवित्र बोल। और वह दूसरे घर को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। जिस घर में पहुंच जाता है वो घर तो पवित्र होता ही होता है, लेकिन उस घर की जहां जहां छाया पड़ रही अड़ोसी पड़ोसियों का घर भी क्या हो गया? पवित्र हो गया। बोले हर हर महादेव। बड़ा प्रभाव है हमारा शिव नैवेद्य का। हृदय चंद्रकांति स्वर्ण रूप्या निर्मित शिव दिगुषावतार भक्ति नैजम भक्त्या मितिर्यते। और सोने में सुहागा हो सकता है कब? अगर हम जो है किसी शिव भक्त से शिव मंत्र की दीक्षा ले लें और उस नैवेद्य को उस मंत्र के साथ ग्रहण करें महाराज, तो और अति फलदायी है। भाव से बोलो हर हर महादेव। जीवन में गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। क्या क्या गुरु होना ही चाहिए। कौन से गुरु? मुख्यतः हमारी कितने गुरु होते हैं? तीन गुरु। एक जन्म गुरु माँ, दूसरे शिक्षा गुरु आचार्य, तीसरे शिक्षा गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दी। तीनों गुरुओं का होना नितांत आवश्यक। गुरु कौन होता है? जो अज्ञान का खंडन करने वाला हो, हमारे भीतर के अज्ञान को मिटा रहे हैं और ज्ञान में उसी प्रकार मरने जाएगा। कौन होना चाहिए? गुरु स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए। गुरु मिलने के हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो, बदले हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होगा। गुरु वो सीढ़ी है साहब जो हमें जो है प्रभु चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। Thank you.
महादेव। मेरे हाथ में बिस्कुट का पैकेट है मित्रों, अगर वो थोड़ी सी भी आवाज़ कर देता है तो एक बच्चा भाग करके आ जाता है, उसको सुनाई दे जाता है उसके पैकेट की आवाज़। ये देखिए, मैंने जरा सी आवाज़ की, ये भाग के आ गया महादेव, फिर आवाज़ बंद हो जाती है, फिर भाग जाता है वापस दूध पीने। वाह मेरे प्रभु, तेरी माया, तेरी कृपा, शंभो कैलाशपति। अब देखिए, इसके बच्चे भी बिस्कुट खाने आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी नहीं खाने दे रही है ये, उनको गुर्रा रही है, क्योंकि इसको पता है कि मैं कुछ खाऊंगी तब दूध बनेगा, तब बच्चों को तक वो पहुंचेगा। तो इसको पता है कि इसका खाना आवश्यक है, और इनको मैं अलग से बिस्कुट डाल दूँगा। दूध मैं इसलिए नहीं डाल रहा था ताकि ये दूध पी रहे हैं तो दूध पी लें पहले जितना पी सकते हैं, और इसके लिए भी भोजन परम आवश्यक है ताकि दूध बने और इनके उधर तक पहुंचे। महादेव और महादेव। मित्रों क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं तो होता तो इनको अपने बिस्तर में सुला लेता, परंतु क्या करें, मकान मालिक का आदेश है कि ये अंदर ना आए, इसलिए सेफ्टी के लिए देखिए वहां पर भी ये लगा दिया है, और यहां से ये अंदर घुस जाते हैं तो यहां पर भी ये टुकड़ा पर रखा, ये लगाना है इनको बाहर करने के पश्चात, और रात को बारिश आने की संभावना है। अब सावन में बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगा, बेचारे भीगते हैं, रोते हैं, परंतु क्या करूं, मेरी व्यवस्था है। देखिए चारों कैसे सो रहे हैं दरवाजे के सामने। अब इनको बाहर करके मुझे वो पत्थर लगाना पड़ेगा। मेरा हृदय नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती, परंतु मेरी व्यवस्था है, क्योंकि ये यहाँ पर पोटी कर देते हैं और फिर वो वैसे साफ़ उसको मेरी श्रीमती करती हैं, और मैंने ये भी बोला है कि आप लोग नहीं करोगे तो मैं साफ़ कर दूँगा। तो देखते हैं, हो सकता है यहीं रख लूँ, अभी भी मेरा कुछ पता नहीं है, हो सकता है यहीं रख लूँ, पोटी करेंगे भी तो सुबह मैं साफ़ कर दूँगा। शंभव हाँ, टंकी तो फुल हो गई, अब क्या करोगे, बस करो। शंभो कैलाशपति, वाह जय भैरवनाथ बाबा जी। कैसे उछलते हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ मेरी ओर, एक दूसरे पर गुर्राना सीख लिया मित्र इन्होंने भी, और लड़ भी जाते हैं, गुर्राते भी हैं, गुर्र गुर्र, और कभी कभी एक दूसरे को पकड़ भी लेते हैं अगर भूख ज्यादा लगी हो तो। अभी इनका पेट भर गया है, बताइए इतनी सी उम्र में इन्होंने कंपटीशन सीख लिया है एक दूसरे से। महादेव महादेव महादेव, चारों की टंकी फुल हो गई है। शंभो कैलाशपति, हाँ भाई रो। महादेव महादेव महादेव, जय गंगे मैया जी। लीजिए आपके ऊपर भी छीटा लगा देता हूँ गंगा जी का, आज सावन के पहले दिन, पहले सोमवार, हर हर गंगे हर हर महादेव। शिव शिव शंभो 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 कैलाश महादेव। मित्रों हम हिंदू भाई बहन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ऐसे स्थानों पर आकर, क्या अगरबत्ती लगा देते हैं। सनातन में अगरबत्ती का लगाना वर्जित है, क्यों, क्योंकि वो बांस से बनती है, ये बांस है, और बांस को जलाने से पितृ दोष लगता है। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे बांस को जलाने से क्या होता है, तो गूगल भी आपको यही बताएगा कि बांस को जलाने से पितृ दोष लगता है। और शमशान में जब अंतिम यात्रा होती है तो वहाँ पर भी चिता पर लिटाने के बाद बांस को फेंक दिया जाता है,
और वो बांस जो इतना सारा फेंका जाता है वो जाता कहाँ है? वो सब इन्हीं फैक्ट्रियों में जाता है और उसकी ये अगरबत्ती बनाई जाती है। तो सावधान हो जाइए, जो भाई बहन अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं बिल्कुल 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 बंद कर दीजिए आज से ही। अगरबत्ती पितृ दोष आपको लगाती है, जल बढ़ा हुआ है, डूबी हुई रेलिंग, तो ध्यान रहे। हमारे पुराणों में कहीं भी अगरबत्ती का वर्णन नहीं है, जहाँ पर भी लिखा है तो यही लिखा है, और मंत्रों में भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं, क्या धूपम दीपम दर्शयामी। अगरबत्ती का हमारे पुराणों में कहीं भी वर्णन नहीं है। अगरबत्ती जलाओगे पितृ दोष लग जाएगा। बांस है, बांस जलाना सनातन में बिल्कुल बिल्कुल वर्जित है। अंतिम यात्रा में शमशान में जाकर भी बांस को फेंक दिया जाता है और वही बांस से फिर अगरबत्ती बनाई जाती है। ध्यान रहे, शंभो कैलाशपति, जय गंगे मैया। सुंदर दृश्य है मित्रों, माँ बेटी दोनों जल ग्रहण कर रहे हैं, वाह, जय मेरे महादेव। मित्रों, माँ उधर घास खा रही है और बच्चा यहाँ भांग के पत्ते खा रहा है। अभी इसको अनुभव नहीं है कि भांग के पत्ते खाए जाते हैं या नहीं, खा लेगा, अनुभव हो जाएगा तो पता चल जाएगा। महादेव शंभव कैलाशपति, जय सूर्यनारायण भगवान जी। माँ दूध पी रही है और बच्चे सुबह सुबह 5 बजे से, अभी 5 बजे नहीं है, देखिए कैसे खेल रहे हैं पांचों। आ जा, तू आ जा भाई, अरे आ जा। एक सफेद है, बाकी सब पे निशान है, पिताजी की तरह है। एक इसकी तरह सफेद है। महादेव, अभी आपने कुछ देखा मित्रों, दूध पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, और जब तक ये दूध पी रही थी मैंने एक बच्चे को वहाँ से उठा लिया था, उसको खेल रहा था, ये मेरे पास आई तब भी वो मेरे पास खेल रहा था, और थोड़ी देर के पश्चात जब मैंने उसको छोड़ दिया, इसने दोबारा नहीं उठाने दिया। फिर भी मतलब पहले विश्वास किया डर डर के, और फिर एकदम से मुझे एकदम से भौंका मेरी तरफ गुर्राया। तो इसे कहते हैं माँ, ये है माँ की सुरक्षा। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये माँ है, ये किसी को पास तक नहीं जाने देती। मैंने तो उठा रखा था उसको गोदी में बच्चे को। तो सभी माताओं की जय हो, और आज के विशेष दिन आज है श्री गंगा जी दशहरा, तो आज का तो पवन पवित्र दिन है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया जी, और जय हो सभी माताओं की, जय हो मेरी माता की। महादेव, ये जो पीछे बैठा हुआ है ये उन बच्चों का पिता है। महादेव शंभो महादेव। मित्रों, दूध डाला था इसके लिए, इसको पता ही नहीं चल रहा है, पैसे यहाँ एक बर्तन होता था वो मुझे मिला नहीं, तो दूध यहाँ डाला, वापस आ, बहुत देर से उसको बुला रहा हूँ नहीं आ रही है, वापस आके देखा तो ये मजे लेने पाँचों। वाह बढ़िया, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं प्रयास कर रहा था कि वो पी ले, वो नहीं आई, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ कोई बर्तन होता था उसमें डालता था, वो आज बर्तन मिला नहीं तो यहाँ डाल लिया इस थाली में, अब उसको पता ही नहीं कि यहाँ दूध डाला है, और ये मजे ले रहे हैं। वाह जी, जय मेरे बड़े शंकर महादेव, शिव शिव शंभो। आज भी उधर कुछ बादल हैं, थोड़े बहुत हैं, देखते हैं बारिश आएगी या नहीं आएगी, उधर पहाड़ की तरफ भी है महादेव, वहाँ भी है सामने। जय गंगे मैया। बड़े अच्छे से दूध पीना सीख गए मित्रों, और थाली के अंदर ही घुस जाते हैं। शंभो कैलाशपति, हाँ जी, ओ देवी जी, हाँ हाँ महादेव शंभो कैलाशपति, शिव शिव शंभो। तोते बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं, जब वो उनके पास चलेंगे तो वो उड़ेंगे, वो भी एक सुंदर दृश्य होता है। महादेव महादेव, सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं। शंभो शंभो कैलाश, हर 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 महादेव महादेव।